सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। देर आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए iPhone 11 के 5 ट्रेंडिंग कवर्स। जी हाँ, होता क्या है कि जब भी हम एक कवर लेने जाते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भैया कौन सा कवर लें। ज्यादातर प्रॉब्लम आईफोन्स में आती है। जब हम आईफोन में कोई कवर लेते हैं तो भैया ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। इनका प्राइस जो है वो 250 से स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली एंड्रॉइड के जो होते हैं वो 100-150 रुपए के कवर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी आईफोन का कवर लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 250 से स्टार्टिंग देखने को मिलेगी अगर आप एक अच्छा कवर लेने जा रहे हैं। तो जब हम 250 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो में देखना पड़ता है बहुत बार कि भैया अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, और आजकल की ट्रेंड के हिसाब से कौन सा चल रहा है वो वाला हम फाइंड करते हैं। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए ट्रेंडिंग 5 कवर लेकर के आ चुका हूं। इन सभी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा कवर है ये, और इन सभी का लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी अच्छा लगेगा उसको आप बाय कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी रिसर्च करके इन 5 कवर को चुना है, तो इनमें से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा iPhone 11 व्हाइट कलर में, और ये 5 कवर पड़े हुए हैं। इन सभी को ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा कवर कितना अच्छा लगता है इस आईफोन 11 के ऊपर। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं ये फर्स्ट वाला। ये कवर जो है क्लियर सेल केस बोलते हैं इसको। ये आता है कैमरा लेंस के साथ में। इसमें आपको जो है कैमरा लेंसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा प्रोटेक्शन जो लेंस होते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, वन सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर लेंस जो है वो पहले से ही अप्लाई आपको मिलेंगे। आपको अपने आईफोन के ऊपर अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसीलिए इसका थोड़ा सा प्राइस हाई होता है। इसका प्राइस जो है आपको 250 से लेके 300-350 तक आपको ये ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर जो आपको लोगो रिंग देखने को मिल जाती है, और ये कवर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सिलिकन मटेरियल से बना हुआ है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी। बैक ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है और साइड जो है वो ब्लू कलर में देखने को मिलती है। तो काफ़ी प्यारा ये कवर लग रहा है। चलिए प्ले करके देखते हैं अपने इस फोन के ऊपर। वाओ, फिटिंग काफी अच्छी है। बैक से काफी प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ पर जो लोगो देख सकते हैं कितना ज्यादा साइन कर रहा है यहाँ पर, और ये रिंग काफी प्यारी लग रही है यार। साइडे काफी अच्छी फ्लैट साइडे हो जाती हैं इस कवर को लगाने के बाद। तो ये जो आईफोन 11 है आपका, ये आईफोन 12 बन चुका है, क्योंकि साइडे जो है यहाँ पर ये फ्लैट हो जाती है। बाकी कवर की फिनिशिंग काफी अच्छी है यहाँ पर, कटआउट वगैरह काफी अच्छे हैं। नीचे के साइड में कटआउट काफी प्यारे दिए गए हैं। फिनिशिंग बहुत ही आपको अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पर। बटन ट्राई करते हैं कि बटन कैसे प्रेस होते हैं। तो बटन मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, यहाँ पर थोड़ा सा हार्डनेस है अभी। इसको यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएंगे, उसके बाद जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल इस कवर की क्वालिटी काफ़ी प्यारी लगी। फ्रंट से भी देखने पर काफ़ी प्यारा लगता है फ़ोन, और बैक से भाई क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा साइन करता है। अगर आपका व्हाइट कलर है तो भैया और ही मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको ये पहले नंबर का ही कवर पसंद आ गया है तो इसको आप खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की लिंक पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके आप इसको खरीद पाएंगे। थोड़ा सा प्रीमियम केस है ये, इसकी बारी आती है। ये थोड़ा सा मैट फिनिश में आपको देखने को मिलता है, ब्लैक कलर का मैंने इसको परचेज किया है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल वर्किंग में है, ये देख सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट सा है ये, सिलिकन मटेरियल से ये भी बना हुआ है। और यहाँ पर जो आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है, ग्लोसी फिनिश देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है आपकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो नहीं आएंगे जरा भी। यहाँ पर भी आपको एक रिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो है कैमरा प्रोटेक्शन के साथ में भी एक रिंग जो है यूज की गई है। और ये जो व्हाइट कलर की रिंग है ये प्लास्टिक की है, और ये भी जो है प्लास्टिक की यूज की गई है यहाँ पर। और ये कवर भी काफी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है। यहाँ पर साइडें जो है ये थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर देखने को मिलती है, शायद इसके अंदर प्लास्टिक यूज किया गया है साइडों में, क्योंकि साइडें जो है यहाँ पर ये फ्लैट दी गई है, इसलिए यहाँ पर शायद प्लास्टिक यूज किया गया है। कवर की क्वालिटी चेक कर रहा था, एक चीज मुझे यहाँ पर दिखी, इस रिंग को आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, बाकी ऐसे नहीं कि मतलब अपने आप निकल जाएगा। इसको जब आप नीचे से पुश करेंगे तभी ये निकलने वाला है, तो नीचे से तो कोई पुश करने वाला नहीं है, तो ये ऐसे निकलने वाला नहीं है। बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये वाला ये भी निकल रहा है, ये देखिए यहाँ से भी निकलता है, लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप कवर लगा लेंगे। अभी मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए कवर लग जाने के बाद ये कोई चांस नहीं है कि ये निकलेगा, ठीक है, कोई चांस नहीं है कि ये निकलेगा। और ये कवर भी कितना प्यारा लग रहा है यार, देखिए पर्सनली जो ये रिंग है ये काफ़ी प्यारी लग रही है इसकी मुझे, और ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। और ये व्हाइट कलर का फ़ोन है तो और भी ज़्यादा भैया कहर ढा रहा है। और इस कवर से भी आपका आईफोन 11 आईफोन 12 बन गया, फ्लैट एजेस देखने को मिल गई। बाकी इस कवर के भी कटआउट्स काफ़ी अच्छे हैं, क्लियर दिए गए हैं बिल्कुल, ठीक है। अब बात करें अगर हम बटन्स की, तो बटन थोड़ी सी हार्ड है, जैसे पहले वाला कवर था उसी तरीके से हार्ड है। और अगर आपको ये कवर ही पसंद आए तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। सेकंड नंबर की जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, उसके जरिए आप इसको बाय कर पाएंगे। अब बारी आती है इस स्लिम क्लियर केस की। ये काफ़ी स्लिम है, बहुत ज़्यादा स्लिम,
बट ये हार्ड है, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर यूज की गई है और ये प्योर ट्रांसपेरेंट है। इस कवर के ऊपर कैमरा प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ी सी कम है, बहुत ही कम है। बाकी क्वालिटी इस कवर की काफी अच्छी लगी मुझे, और साइडें जो है ये कर्व इस कवर की देखने को मिल जाती हैं, ये काफी अच्छी चीज है। जैसा हमारा फोन है उसी तरीके से इसकी डिजाइन है इस कवर की। बाकी ये कवर जो है ग्लॉसी है, यहाँ पर देखेंगे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आने लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है ग्लॉसी कवर्स के ऊपर। इस कवर के कटआउट्स वगैरह मुझे काफी प्यारे लगे, जितने भी अभी देखे उन सबसे इस कवर के कटआउट्स वगैरह काफी अच्छे लग रहे हैं। जो पोर्ट्स कटआउट है वो काफी अच्छे हैं। चलिए फोन में लगाते हैं। ओहो भाई बहुत हार्ड है भाई, कैसे इसको लगाऊं। इस कवर को अगर आप लेते हैं तो ध्यान रखना है, ऊपर से आपको इसको पहले लगाना है, फिर जो है नीचे की साइड इसको अप्लाई करना है। ये हो गया। ये कवर भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है यार, मतलब जितने भी कवर देखता चला जा रहा हूँ वो सारे कवर मुझे अच्छे लगते जा रहे हैं। ये कवर तो और भी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग दे रहा है, काफी गजब का लुक दे रहा है, क्योंकि ये कवर जो है काफी ज्यादा स्लिम है ना, तो फोन को ज्यादा थिक नहीं बना रहा है, इसीलिए काफी प्यारा लग रहा है ये कवर मुझे। और बटन्स की बात करें, वाह इसकी बटन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अभी देखिए आवाज़ भी आ रही है बटन की। और ऊपर से भी ये कवर जो है ज़्यादा डिस्प्ले के ऊपर नहीं आया है, डिस्प्ले के बराबर है, तो उसकी वजह से ये कवर बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहा है। और ये कवर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट ये थोड़ा सा प्लास्टिक है इसलिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह लग जाएंगे जब भी हम इसको टेबल के ऊपर वगैरह रखेंगे ना, तो इसके ऊपर प्रॉपर स्क्रैच लग जाएंगे क्योंकि ये प्लास्टिक है। इसके कलर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कवर आपको पसंद आया तो थर्ड नंबर की लिंक पर आपको क्लिक करना है, उस लिंक से आप इसको खरीद पाएंगे। ये है ब्लैक कलर में आता है, ब्लैक मैट सॉफ्ट। ओ भाई साहब ये क्या है, ऐसा लग रहा है ये कवर जो है यूज़ किया हुआ है, तो इसको रिटर्न कर सकता हूँ, वैसे मैं इसको रिटर्न करूँगा। बाकी ऐसी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट यार, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये लिक्विड सिल्कन से बना हुआ है, काफी प्यारा है। इसके कटआउट्स थोड़े से घटिया किस्म के दिखे मुझे, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा सा सस्ता भी पड़ा था, ये 150 रुपए का पड़ा है, तो इसी वजह से इसी क्वालिटी ऐसी देखने को मिली है। बाकी ये कवर मुझे काफी अच्छा लग रहा था, अभी पैकिंग के अंदर था तब भी मैंने इसका नोटिस नहीं किया कि भाई ये यूज्ड होगा, बट अभी जब मैंने इसको ओपन किया तब लग रहा कि भैया ये यूज्ड है। यहाँ पर जो ये बटन प्लास्टिक की यूज की गई अलग से, चलिए लगाते हैं फोन को। काफ़ी अच्छी फिटिंग है, अगर ये न्यू होता तो मुझे लग रहा काफ़ी अच्छा लगता, बट यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं तो उतना अच्छा ये लग नहीं रहा है। बटन्स बहुत ही सॉफ्ट प्रेस हो रहे हैं भाई। बाकी अगर आपको ये कवर अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि भैया ऐसे ही कवर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, आपको पूरा प्रॉपर क्लीन मिलेगा। ये मुझे यूज डिलीवर किया गया, मैं इसको एक्सचेंज करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको ये पसंद आया तो चौथे नंबर की जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट कवर की, तो ये है हमारा जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो, ये है हमारा ट्रांसपेरेंट कवर, क्लियर केस सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट। जैसे मर्जी इसको आप जो है ऐसे कर सकते हैं और फिर जो है आपको इसको फोन में लगा सकते हैं। बाकी ये कवर थोड़ा सा मोटा है, उतना ज्यादा स्लिम कवर नहीं है, ये काफी ज्यादा हैवी मटेरियल इसमें यूज किया गया, बहुत ज्यादा मोटा, देख सकते हैं यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मोटा है ये कवर। ये बाकी आप सभी ने इस ट्रांसपेरेंट कवर को यूज किया ही होगा कभी ना कभी, तो इसके बारे में ज्यादा बात क्या ही करें, ये तो नॉर्मल कवर हो जाता है, मतलब हर कोई कभी ना कभी यूज करता ही है। वैसे मैं ज्यादातर जो है ट्रांसपेरेंट कवर ही यूज करता हूँ, इससे होता है कि ट्रांसपेरेंट कवर से जो हमारे फोन का कलर जो है वो काफी अच्छा निकल के आता है, देख सकते हैं यहाँ पर। बट प्रॉब्लम यही होती है कि ये कवर जो है टाइम के साथ साथ जो है पीले होते रहते हैं धीरे धीरे, तो बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। बाकी ये कवर भी ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, तो इसके ऊपर भी जो है आपको फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, बट इस कवर के ऊपर मुझे बहुत ही कम फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। बात करें बटन्स वगैरह की तो बटन ठीक है, और यहाँ पर जो है पोर्ट्स कटआउट वगैरह जो है वो भी काफी अच्छे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंट बटन के पास जो कटआउट है वो भी काफी अच्छा है, फिनिश बहुत अच्छी दी गई है। और यहाँ पर नीचे भी स्पीकर और माइक और पोर्ट का कटआउट जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से कट किया गया है, एकदम नंबर वन की फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। एक प्रॉब्लम है इस कवर के अंदर जो आपको कैमरा प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये कवर इतना मोटा है कि कैमरे को बाहर नहीं आने दे रहा, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस कवर को खरीदना है तो जो आपको लास्ट वाली लिंक है 5 नंबर की उस पर क्लिक करना है, उसके जरिए आप इसको खरीद पाएंगे। तो ये थे हमारे 5 कवर, आपको कौन सा पसंद आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।